हेलो फ्रेंड फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रिले कॉन्टेक्टर एंड पावर रिले के बारे में। तो मेरे सामने सारा कंपोनेंट्स है, रिले है, पावर रिले है, कॉन्टेक्टर्स है, एडन ब्लॉक है, 4 पिन 2 पिन और 2 मिनट का कॉन्टेक्टर्स है मेरे पास और कई मिनट का रिले है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में रिले के बारे में ही बताऊँगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्टेक्टर्स और अदर कंपोनेंट के बारे में, एडन ब्लॉक के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों, आपने इस टाइप का रिले देखा होगा, ये जनरल पर्पज रिले है। तो इसमें दोस्तों, जनरल पर्पज रिले में क्या होता है, कॉइल की बात करें तो इसका जो रिले का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो मल्टीपल में आता है, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 110 वोल्ट एंड 220 वोल्ट, एसी डीसी दोनों में आता है ये। तो ये रिले जनरल पर्पज रिले है। जैसे किसी इससे अगर इसमें पॉइंट्स की बात करें तो इसमें अभी पॉइंट दिखा देता हूँ। ये इसको बेस बोलते हैं, इसको बेस, इसको हेड बोलते हैं। ये रिले है, ये रिले का बेस है, ये मेन रिले हुआ ऊपर और नीचे बेस हुआ इसका। तो मोटा मोटी आपको बताता हूँ अभी एक बार इसको। इसकी बात करें तो 8 पिन है, 8 पिन, और इसके बाद 14 पिन भी आता है और 12 पिन भी आता है। तो ये 8 पिन का है। इसकी बेस की बात करें, बेस भी 8 पिन का है। तो इसमें टोटल पिन की बात करें तो ये 2 कॉइल होगा और एक एनो एक एनसी, एक एनो एक एनसी, या बीच में जो सेंटर में वो कॉमन होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, तो इसको रीड करने का सबसे बड़ा, रिले को रीड करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ता है इसका रिले का ड्राइंग बना होता है एक रिले में। इसमें भी ड्राइंग बना हुआ है, आप देख सकते हैं गौर से यहाँ पे, क्लियर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, पोल है, 2 पोल है, 110 110 MSP। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि 1 और 2 1 5 और 9, एक कॉन्टेक्ट हुआ, अब 4 8 12, एक कॉन्टेक्ट हुआ, 13 और 14 इसका कॉइल को सप्लाई है। कॉइल को सप्लाई देने के लिए आपको देना पड़ेगा 13 और 14 पे, और इसका जो कॉमन होगा वो 9 होगा और NO 5 होगा और 1 NC होगा। उसी तरह यहाँ पे भी 4 इसका NC है और 12 कॉमन और 8 NO। तो इसमें 2 पॉइंट्स है, मतलब 2 कॉन्टेक्ट पॉइंट्स है। तो इसको ये टोटल हो गया, आप टोटल कॉन्टेक्ट कितना हो गया इसका, पिन्स 6 + 2 8 हो गया, 8 पॉइंट। तो इसमें 14 पॉइंट भी आता है। तो उस हिसाब से आपको, अगर आपको एक और पॉइंट चाहिए तो सेंटर में एक और होता है 3, तो कितने, उसके बाद 3 पॉइंट और जुड़ जाएगा, तो 8, उसके बाद आपको 3 पॉइंट्स और भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उसका 4 पॉइंट्स भी आता है। तो उस हिसाब से आपको रिले को कौन सा रिले यूज़ करना है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। उसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करें तो ऑपरेटिंग वोल्टेज कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। कॉइल आपको 110 का लेना है AC, या 220 का लेना है AC, या 110 का DC, या आपको 12 वोल्ट या 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, तो इस टाइप का होगा। तो ये चीज़ है कि बेस हर एक का सेम ही होता है, रिले जो इस जैसे AC हो या DC हो, कॉइल का डिफरेंट होगा, मगर रिले के जो सारी आर्किटेक्चर है वो सेम ही होगा, कॉइल से ही डिफरेंट होगा। तो ये जनरल पर्पज रिले है जो आपको मार्केट में अवेलेबल मिलता है। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पावर रिले के बारे में। पावर रिले इस टाइप का आपने रिले देखा, इसको बोलते हैं पावर रिले, और एक ये भी है, ये भी एक पावर रिले है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, और वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, तभी आपको समझ में प्रॉपर आएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।